इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात का ऐलान किया गया, पर इंतजार बेलगाम लोकसभा की तारीख का था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बेलगाम को लेकर अलग अलग से ऐलान किए जाने हैं, पर हासिल इत्तला के मुताबिक 5 रियासतों के साथ ही बेलगाम लोकसभा चुनाव भी मुनक्कद किए जाएंगे। वाजा रहे कि बेलगाम लोकसभा से सुरेश अंगड़ी मरकज में रियासती वजीर के तौर पर फैज थे, जिनकी 2020 सितंबर में कोरोना से मौत हुई। लिहाजा कर्नाटक में बेलगाम के साथ मस्की बसो कल्याण में भी जमीनी इंतखाबात होने हैं। बेलगाम को लेकर रियासत में काफी दिलचस्पी का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि महज भाजपा और कांग्रेस के दरमियान ये मुकाबला न होते हुए दो भाइयों के दरमियान के मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस की जानिब से सतीश जारकीहोली का नाम सर फहरिस्त है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने 5 रियासतों के इंतखाबात का ऐलान किया है, जिसमें मगरबी बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी के बंगाल इंतखाबात पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। वैसे तो जब से मोदी हुकूमत इख्तदार पजीर हुई है, तमाम महकमाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या अदलिया से लेकर इलेक्शन कमीशन तक मोदी हुकूमत की हिमायत में फैसले ले रहे, बंगाल में 8 दौर का चुनाव करना है, वो या भाजपा के लिए फायदेमंद हो, इसलिए चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला लिया है। लिहाजा जितना भी भाजपा को जिताने की कोशिश करे, बंगाल में मोदी अमित शाह को मुंह की खानी पड़ेगी, ऐसा दावा ममता बनर्जी की जानिब से किया गया। 27 अप्रैल से 29 अप्रैल तक तकरीबन एक महीने का अरसा इलेक्शन कमीशन ने चुनाव को मुकम्मल करने के लिए कहा है। ये भी बात तवज्जो के काबिल है कि अब तक महज 3 या 5 दौर में चुनाव मुकम्मल किए जाते थे, पर तकरीबन एक महीने का अरसा पहली मरतबा ही इंतखाबात के लिए दिया जा रहा है। आसाम में भी 3 दौर में इंतखाबात मुकम्मल किए जाएंगे, लिहाजा 2 मई को नतीजे बरामद होंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने हुकूमत भाजपा के बनने की बात कही है और 200 से भी ज्यादा सीटों के जीतने का यकीन इन्होंने दिला। वहीं मुस्लिम वोटों पर नजर रखकर असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम भी मैदान में उतर रही है। जाहिर है पिछले कई महीनों से मजहबी तशद्दुद का खेल भाजपा की जानिब से खेला जा रहा है। बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर की जमीन है और मोदी ने उसी तरह का लुक बनाने की बात बार बार कही जा रही है। वजीर आला मोहतरमा ममता बनर्जी ने सबसे बेबाक अंदाज में मोदी और अमित शाह पर तंज कसते हुए और लफ्जी हमले करते हुए ममता बनर्जी ने अमित शाह और वजीर आजम मोदी को गुंडे तक कहते हुए कहा कि यह गुंडागर्दी बंगाल में नहीं चलने देगा। वही दूसरी ओर भाजपा की जानिब से हिंदू धर्म का कार्ड खेलने की कोशिश करते हुए ममता की हुकूमत में हिंदुओं पर जुल्म की बात कही। ममता बनर्जी ने जब भी वक्त मिला भाजपा मोदी शाह आरएसएस को शिखर देने में पेश रही। इससे पहले बंगाल में भाजपा की काफी हद तक मायूसी का मुंह देखना पड़ रहा था, पर अब पिछले एक अरसे से बार बार इजलासों का दौर मोदी शाह की जानिब से चलाया जा रहा है। यहां तक कि कई बार भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के दरमियान खूनरेज भी हुई। इजलास जुलूसों में झड़पों को भी देखा गया। भाजपा के तमाम आला लीडर भी बंगाल में शक्ति प्रदर्शन के लिए गए। जेपी नड्डा के कार पर भी हमला किया गया। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि भीड़ को किराए से लाने में भाजपा माहिर है। लिहाजा बंगाल जो भीड़ नजर आ रही है यूपी बिहार गुजरात से मंगवाई गई और किराए के और मकामी लोग न के बराबर थे। जो भी पर बंगाल चुनाव इस बार काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। क्या ममता दीदी अपनी हुकूमत कायम करने में कामयाब होगी या एक बार और रियासत भाजपा के कब्जे में चला जाएगा? ऐसे बहस जेर बहस है। किसान एहतजाज का भी असर आपको बंगाल चुनाव में नजर आ सकता है, क्योंकि किसानों ने ऐलान किया हुआ है कि मरकजी मोदी शाह के किसान कानूनों को लेकर अवामी बेदारी बंगाल चुनाव में लाएंगे। जाहिर है बंगाल में किसानों की जानिब से भाजपा मोदी शाह मुखालिफ माहौल बनाने की भी कोशिश हो सकती है। साफियों से मुखातिब होते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा एक झूठी पार्टी है, जिसे देश को, देश की गरिमा को कलंकित किया गया। वजीर आजम को सबसे बड़ा झूठा साबित करने की कोशिश करते हुए अब तक के तमाम फैसले किस तरह से गलत साबित हुए हैं, इसका जिक्र किया। मीडिया पर भी तंज करते हुए कहा कि यह वही गोदी मीडिया है जिसने मुल्क में गोदी मीडिया को बनाया है। आजकल पत्रकारों में चाटुकारिता बढ़ गई है, पर हमेशा हक बोलना चाहिए। इस जालिम बादशाह का हर दौर में आया है, साथ में हक परस्तों ने भी हमेशा अपनी आवाज को बुलंद किया। भले ही जालिम को कामयाब होते वक्ती तौर पर देखा जा सकता है, पर जालिम का दौर तवील नहीं हो सकता, ऐसा भी उन्होंने कहा। कुल मिलाकर 5 रियासतों के चुनाव कोरोना दौर में ही होने जा रहे हैं, ऐसा कहा जाए तो गलत न होगा। वैसे भी पहले से कहा जाता है कि चुनाव में कोरोना भाग जाता है, जबकि बड़े बड़े इजलासों में लाखों की भीड़ को इकट्ठा किया जाता है, लेकिन चुनावी इजलासों को छोड़कर दिगर मामलात में कोरोना के बहाने बताए जाते हैं। बेवजह अवाम को
कोरोना के आड़ में परेशान भी करने की बात कही जाती है। वजीर आजम का हर कॉल झूठा होता है, ऐसा भी ममता बनर्जी ने कहा। वजीर आजम मोदी कोरोना का खतरा टला नहीं है, ऐसा मन की बात में कहते तो है, पर चुनावी इजलासों में हजारों की भीड़ इकट्ठा भी करने का इन्हें ख्याल नहीं रहता। लिहाजा सबसे ज्यादा मगरबी बंगाल के इंतखाबात के नतीजे मुल्क सतह पर असरअंदाज कर सकते हैं। लिहाजा क्या ममता बनर्जी भाजपा के तकबर को तोड़ेंगे, ऐसा सवाल आवाम की जानिब से किया जा रहा है। इतना जरूर है कि अगर भाजपा हार जाती है तो धर्म के नाम पर सियासत शायद खत्म हो सकती है, पर इसका फैसला तो आवाम ही करती है, लिहाजा इंतजार करना पड़ेगा। हुकूमत की जानिब से ऐलान किया जा रहा है कि जो भी डॉक्टर्स, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी टैक्स भरने वाला शख्स हो या फिर किसी के पास कार या महंगी सवारियां हो तो अन्य भाग से जो राशन दिया जाता है इससे बाहर निकल जाए, वरना हुकूमत ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी। बेलगाम जिले में इस ऐलान के बावजूद यह देखा जा रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी वाकई मिल्कियत काफी अच्छी है, ऐसे लोग भी राशन से मिलने वाले अनाज पर हाथ ही मारते रहते हैं। अमीर होने के बावजूद भी गरीबों का हक मारने वाले सैकड़ों खानदानों को पाए जाने की बात हुकूमत की जानिब से कही जा रही है। वाज़ह है कि इससे पहले जिसके पास मोटरसाइकिल, गैस सिलेंडर या फ्रिज जैसी चीजें हैं, इनके भी राशन कार्ड रद्द करने की बात वजीर रियासत उमेश कत्ती ने कही थी, जिस पर काफी बवाल किया गया था। बढ़ते एतराजात के मद्देनजर अपने अल्फाजों को उमेश कत्ती ने पीछे लिया। अब जो भी कार या महंगी सवारी या सरकारी अफसर बड़े अहदे पर फाइज, डॉक्टर, वकील जैसे पेशे में अच्छी कमाई के बावजूद भी गरीबों के राशन को भी हासिल कर रहे हैं तो इन पर कार्रवाई का इशारा रियासत की जानिब से दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1,00,000 से भी ज्यादा ऐसे अमीर हैं जिन्होंने गरीबों का हक मार कर रखा है। पीडीओ और तलाटियों को बेलगाम जिले की तहकीक को तफ्तीश करने का हुक्म दिया गया। पूरे बेलगाम जिले में कुल 11,40,000 बीपीएल कार्ड है, देखा जाए तो इसमें तकरीबन बोगस लोग ही ज्यादा है जो बीपीएल का फायदा उठा रहे हैं। बार बार हुकूमत की जानिब से जो अमीर है बीपीएल राशन कार्ड को वापिस करने की गुजारिश की गई, इसके बावजूद भी महज 3,000 कार्ड ही जमा हो पाए। अब हुकूमत इस पर सख्त इकदाम करते हुए घर घर पहुंचकर सर्वे करने का ऐलान किया गया है। बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड पर 5 किलो चावल, 2 किलो गेहूं और मार्च महीने से जवारी भी दी जाएगी, ऐसा ऐलान किया गया। बेलगाम भुतरामट्टी पार्क में बरस जुमेरात शेर खान की आमद हुई, लिहाजा बेलगाम वालों को इस जू में शेरों को देखने का मौका हासिल हो सकता है। बेंगलोर के करीब बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क से कुल 3 शेरों को बेलगाम भुतरामट्टी गार्डन के जू में लाया गया। जैसी ही खबर फैली शेर खान को देखने की काफी भीड़ भुतरामट्टी गार्डन पर हुई, पर फिलहाल 3 शेरों को क्वारंटाइन किया गया जिससे आवाम देखने से महरूम हुई है। ये भी इतला हासिल हुई है कि बाकी इस जू में टाइगर सफारी और टाइगर घर का भी काम मुकम्मल होने जा रहा है। जल्द ही बेलगाम के आवाम को टाइगर सफारी का लुत्फ उठाने का मौका मैसर हो सकता है। इसके साथ और भी दिगर जानवरों और चिड़ियाघर का एहतमाम किया जाने वाला है जिससे बेलगाम की खूबसूरती में और भी इजाफा हो सकता वाला रहे। तकरीबन 34 एकड़ का यह मिनी जू हो रहा है। जल्द ही यहाँ पर बाघ, चीता, भालू, लोमड़ी, हिरन लाए जाने वाले हैं। भुतरामट्टी गार्डन बेलगाम शहर अतराफ और अतनाफ के लिए तफरी की बेहतरीन जगह बन सकती है। बेलगाम पुलिस की जानिब से मटका, जुआ, गांजा और नशे की चीजों के खिलाफ मुहिम तेज की जा रही है और इन पर सख्ती भी बरती जा रही है। वहीं दूसरी ओर शहर और अतराफ में जुर्म की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। घर फोड़ने की वारदातें, लूटने की, चोरी, गहने लूटने की वारदातों में जबरदस्त इजाफा होता जा रहा है। यहां तक जानवरों की चोरी तक हुई है। बढ़ते पेट्रोल के दाम के मद्देनजर गाड़ियों से पेट्रोल तक चुराया जाने का वाकये सामने आए। पेट्रोल 100 रुपए करीब पहुंच चुका है तो रात में खड़ी गाड़ी से पेट्रोल चोरी कर खुद की गाड़ी चलाने वाले चोरों की तादाद बढ़ती जा रही है। महज पिछले 25 दिनों में तकरीबन 15 बड़ी वारदातों को चोरों ने अंजाम दिया जिससे पुलिस मौकमा सख्ते में है। अब तक लाखों रुपए पर इन शातिर चोरों ने हाथ साफ किया हुआ। 2 फरवरी को भाग्यनगर से 80,000 के सेल की चोरी, 3 फरवरी को कनबर्गी से शिव मंदिर की दानपेटी से रुपयों की चोरी, छोटी बच्चे के कानों से सोने के जेवर चोरी, 5 फरवरी को टीचर्स कॉलोनी से 2.5 लाख की चोरी, इसी दिन श्रीनगर से 2.5 लाख के जेवरात की चोरी, 12 तारीख को चन्नम्मा सर्कल से खातून की बैग से 1.5 लाख के जेवरात, दिन दहाड़े चोरी, 18 फरवरी को तिलकवाड़ी के बंगले से खिड़की के ग्रिल काट कर 1.5 लाख के कीमती सामानों की चोरी, इसी दिन गणपत गली के मन्नापुरम गोल्ड दफ्तर में चोरी की कोशिश, 19 तारीख को महज 20 मिनट में लाख से भी ज्यादा कीमती चीजों की न्यू वैभव नगर से चोरी, और सबसे बड़ी वारदात बिच्छू गली शाहपुर से तकरीबन 1 करोड़ के सोने की चोरी, कुमार स्वामी लेआउट से 3.5 लाख की चोरी,
चोरों की अब तक इतनी वारदातों को अंजाम दिया गया है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।